ओके दोस्तों, तो आज तो आप सभी लोगों को बहुत मजा आ गया। लिटरली आज हमारे ग्रुप से मेरे पास चार ऐसे मैसेज है जो कि मेगा ग्रैंड लीग। मेगा ग्रैंड लीग का मतलब, मेरा मतलब यहां पर वो नहीं होता 2000 स्पॉट 4000 स्पॉट, मतलब 20 लाख स्पॉट पे हमारे ग्रुप के चार मेंबर ऐसे थे जो कि अंडर 100 रैंक तक पहुंचे थे, और जो सबसे लीस्ट रैंक तक पहुंचा था वो था रैंक नंबर 37। तो काफी क्लोज आ रहे हो दोस्तों, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम जो गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। ओके दोस्तों, आज का जो ये मैच होने वाला है, ये मैच होने वाला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडलेट स्ट्राइकर्स के बीच में। ठीक है, दोनों टीम की ना हालत खराब है अभी तक। एक तो कोविड ने परेशान कर दिया दोनों, एक टीम को ब्रिस्बेन हीट को स्पेशली, बट अब जितने भी लोग थे स्क्वाड में, 11 लोगों को कोविड पॉजिटिव जो हुए थे, उसमें से 9 प्लेयर जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो स्क्वाड में आ चुके हैं। ठीक है, और होपफुली 99% वो आप लोगों को कल का मैच भी खेलते हुए दिखेंगे। ठीक है, ओके। वहीं अगर एडलेट स्ट्राइकर्स की मैं बात करूं तो एडलेट स्ट्राइकर्स ने ब्रिस्बेन हीट के साथ इस बिग बैश सीरीज में एक बार मैच खेला है, जिसमें कि आप लोगों के ब्रिस्बेन हीट ने टोटल रन बनाए थे 208 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, और एडलेट स्ट्राइकर्स की टीम 169 रन ही बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान में। ठीक है, ओके। अगर आप लोग कंपेयर करोगे दोनों टीम को तो दोनों टीम इक्वलेंट ही है, दोनों टीम वीक टीम है, बट क्योंकि अब ब्रिस्बेन हीट पे अच्छे अच्छे प्लेयर जैसे क्रिस लिन हो गया, बेन डकेट हो गया, सैम हेजलेट हो गया, ये सारे आ गए हैं, तो एडलेट स्ट्राइकर्स थोड़ी सी मजबूत टीम लग रही है अगर आप, सॉरी ब्रिस्बेन हीट थोड़ी सी मजबूत टीम लग रही है अगर आप लोग इसे कंपेयर करोगे एडलेट स्ट्राइकर्स से। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, जब भी हम लोग लाइव आते हैं या कोई भी प्लेयर के रिलेटेड न्यूज हम लोगों को पता चलती है तो वो हम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोग भी खुद को अपडेट कर पाओ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर लाइनअप पे कुछ मेजर चेंज आता है, ठीक है ना, ब्रिस्बेन हीट की तो यही लाइनअप रहेगी, एडलेट स्ट्राइकर्स के लाइनअप पे अगर चेंज आता है, वैसे चांसेस बहुत कम है, मेजर अगर कोई चेंज आएगा तो हम लोग लाइव भी आएंगे कल लास्ट के एक घंटे पे, मैं आप लोगों को लाइव मिलूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग उस टाइम पे कनेक्ट होके अपने कुछ भी जो आप लोगों की परेशानी है वो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ और प्लेयर के स्टैट्स आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके दोस्तों, तो होपफुली आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे सेक्शन को एनालिसिस करते हैं। इस मैच के लिए जो परफेक्ट स्ट्रक्चर होने वाला है वो स्ट्रक्चर आप लोगों का जाने वाला है 1-3-2-5 का। ठीक है, आप लोगों ने इसी स्ट्रक्चर पे खेलना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैटिंग वाला सेक्शन इतना मजबूत नहीं है कि हम लोगों को वहां से तीन से ज्यादा प्लेयर मिल पाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है दोनों टीम के एक एक प्लेयर अच्छे कर जाए, और एक प्लेयर आप लोगों को पता है मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 प्लेयर्स तो आप लोगों को लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर होगा हम लोगों का 1-3-2-5 का स्ट्रक्चर होने वाला है। ओके, अब यहां पर देखो आप लोग एक एक करके सेक्शन वाइज एनालिसिस को, विकेट कीपर वाले सेक्शन को अगर आप लोग देखोगे तो ब्रिस्बेन हीट की टीम से आप लोगों को बेन डकेट दिखेंगे विकेट कीपर वाले सेक्शन पे, इनकी वापसी हो चुकी है। दूसरे आप लोगों को दिखेंगे एल फिफर। ठीक है, एल फिफर इसलिए दिखेंगे क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, अच्छे फॉर्म पे लग रहे हैं, तो होपफुली टीम एल फिफर के साथ जाना पसंद करेगी। ओके, अगर एडलेट स्ट्राइकर्स के विकेट कीपर वाले सेक्शन को देखेंगे तो आप लोगों को एच नेल्सन खेलते हुए दिखेंगे, काफी नीचे खेलते हैं आप लोगों के। ठीक है, फिफ्थ डाउन पोजिशन पे खेलते हैं तो उतने इंपैक्टफुल प्लेयर लगते नहीं है। ओके, एक एक करके अब यहां पर मेरे पास दो इंपॉर्टेंट प्लेयर आते हैं। एक तो बेन डकेट को देखो, 78 रन, 54 रन, और 21 तो फ्लॉप ही मानो, 5 भी फ्लॉप मानो, 2 भी फ्लॉप मानो, 27 के एवरेज से खेल रहे हैं। वहीं अगर
फिफर को देखोगे तो लास्ट मैच में इन्होंने अच्छा नॉक खेला था 69 रन का। वो तो एक खास बात थी कि लास्ट मैच में विकेट कीपर वाले सेक्शन पे एक ही प्लेयर था, तो सभी के पास ये प्लेयर था, वरना लोग इसे नेगलेक्ट करके चलते। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे सपोज करो आप लोग स्मॉल लीग के लिए खेल रहे हो ना, तो उसमें आप लोग बेन डकेट को लेकर जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बट मेगा ग्रैंड लीग के लिए आप लोगों को फिफर को भी ट्राई करके चलना है अपने टीम पे। मतलब बेन डकेट आप लोगों के लिए क्या होगा, स्मॉल लीग का प्लेयर होगा, और इसके साथ आप लोगों के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल पे आप लोगों को एल फेफर को लेकर चलना है, क्योंकि लास्ट मैच में अच्छा नॉक खेला है, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, ठीक है। और नया प्लेयर है, अभी बिग बैश खेलना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसे अपना क्या है, अपना टैलेंट को शो करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो वो उसे मिस नहीं करना चाहेगा, इसलिए वो अच्छी पारी खेल सकता है। इसीलिए मेगा ग्रैंड लीग पे हम लोग भी उसे मिस नहीं करेंगे। बैंडकेट और एल फिफर आप लोगों के लिए अच्छे ऑप्शन है विकेट कीपर वाले सेक्शन पे, ठीक है। बाकी आप लोगों को यहां पर डिफरेंशियल बनाना है, बट स्मॉल लीग पे आप लोग बैंडकेट के साथ जा सकते हो, ठीक है, ओके। कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो यहां से बैंडकेट और एल फिफर आप लोगों के लिए सीवीसी के कंटेंडर नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। सीवीसी के कंटेंडर ये दोनों नहीं रहेंगे कल के मैच के लिए, ठीक है। स्मॉल लीग की बात करूं या मेगा ग्रैंड लीग की बात करूं, सीवीसी के कंटेंडर नहीं लग रहे। बैन टकेट तब भी चलो एक मैच में आप लोगों को 78 रन बना के बैठा हुआ है, ठीक है, बट स्टिल उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बट स्टिल अगर आप लोगों को ट्राई करना होगा तो जिस टीम पे आप लोगों के पास बैन टकेट होगा तो आप लोग उसे ट्राई कर सकते हो। अब आ जाओ बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन को अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को क्रिस लिन दिखेंगे खेलते हुए, ठीक है। क्रिस लिन 35 के एवरेज से खेलते हैं, अभी तक सिर्फ एक बार इंपैक्टफुल पारी खेल पाए हैं 57 रन की, लास्ट पांच मैच जो इन्होंने खेले। उसके बाद आप लोगों को हेजलेट खेलते हुए दिखेंगे, हेजलेट को देखो तो दो बार इन्होंने 26 और 26 रन किया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एम ब्रायन खेलते हुए दिखेंगे, एम ब्रायन ने एक बार 32 रन किया है, बस एक ही इनिंग इंपैक्टफुल रही है, 19 का इनका एवरेज है। बिग बैश का एवरेज की बात कर रहा हूं, और टी कूपर की अगर मैं बात करूं तो टी कूपर ने अभी तक एक भी इंपैक्टफुल पारी नहीं खेली है। तो यहां से कौन कौन बैट्समैन है मेरे पास, क्रिस लिन है ऑप्शन पे, मेरे पास हेजलेट है, ठीक है, और मेरे पास एम ब्रायंट है, ठीक है। टी कूपर को मैं एलिमिनेट करके चल रहा हूं क्योंकि अभी तक तो कोई इंपैक्टफुल पारी आई नहीं है, ठीक है, एक भी इनिंग्स में नहीं आई है, तो शायद ही आएगी। तो यहां से तीन प्लेयर होते हैं। अब दूसरे टीम के बैटिंग लाइनअप को देखते हैं। एच हंट तीन मैच खेल लिए हैं, अभी तक एक भी इनिंग्स में 25 रन से ऊपर की पारी नहीं खेली है इन्होंने, 11 का इनका एवरेज है, ठीक है, ओके। एम शॉट आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दिखेंगे, जे वेदरल्ड आप लोगों को दिखेंगे, तो जे वेदरल्ड ने एक बार 51 रन की पारी खेली है और एक बार 31 रन की पारी खेली है, ठीक है। जे वेल्स कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है ना। जे वेल्स को अगर आप लोग देखोगे तो एक बार 46 रन की इन्होंने यहां पे पारी खेली है, और लास्ट मैच में भी बेहतरीन 68 रन की पारी इन्होंने खेली थी। टी कैली की अगर मैं बात करूं तो लास्ट पांच मैच में से एक ही मैच है जिसमें इन्होंने 28 रन की पारी खेली है। आर गिब्सन की अगर मैं बात करूं तो दोनों मैच में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, ठीक है, तो इन्हें भी छोड़ो, ओके। एच निल्सन को हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है, एक ही बार इनकी 39 रन की पारी आई है, उसके बाद कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर नहीं लग रहे हैं। इनके मुकाबले में बैन डकेट और एल फेफर हम लोगों को ज्यादा अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं। तो यहां से आप लोगों के पास ऑप्शन कौन कौन है, यहां से आप लोगों के पास तीन ऑप्शन है। एक तो आप लोगों के पास जे वेदरल्ड है, ठीक है, आप लोगों के पास जे वेल्स है, और आप लोगों के पास टी कैली है, ठीक है, ये तीन प्लेयर है। अब कंसिस्टेंसी पे आओ, ठीक है, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी की बात करोगे यहां पर तो आप लोग देखोगे एस हेजलेट एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, क्रिस लिन और एस हेजलेट को एक जगह ले लो, एम ब्रायन को अलग करो, और यहां से आप लोग जे वेदरल्ड और जे वेल्स को एक जगह ले लो, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास टोटल चार प्लेयर बनते हैं, क्रिस लिन, हेजलेट, जे वेदरल्ड और जे वेल्स, ओके। एक खास बात, लास्ट मैच में भी मैंने ये एक ऑब्जर्वेशन किया है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जे वेदरल्ड और जे वेल्स में से ना एक ही प्लेयर चलता है। लास्ट मैच में देखो, एक ने 8 रन किए थे तो दूसरे ने 68 रन किए थे, और मैंने आप लोगों को साफ साफ कहा था कि इन दोनों एक एच हंट भी है ना, एच हंट, अच्छा एच हंट को हम लोग की प्लेयर पे डालेंगे, अच्छा। तो एक काम तो सबसे पहले ये करना, या तो जे वेदरल्ड को लेना या जे वेल्स को लेना,
दोनों में से एक ही चलता हुआ दिखता है मोस्टली हमेशा, ठीक है। तो या तो जे वेदरवेल्ड को अपने टीम पे रखना, और जिस टीम पे जे वेदरवेल्ड को रखोगे उस टीम पे जे वेल्स को लेने की जरूरत नहीं है, जिस टीम पे जे वेल्स को लोगे उस टीम पे जे वेदरवेल्ड को लेने की जरूरत नहीं है, मतलब दोनों को एक साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ओके अब आ जाओ, ये दोनों तो हमारे निकल गए, अब आ जाओ यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों के पास अब क्रिस लिन और सैम हैजलेट रह जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में भी आप लोगों ने दोनों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, या तो क्रिस लिन को लेना या एस हैजलेट को लेना, दोनों को एक साथ यहां पर भी आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। अब कौन कौन से प्लेयर आप लोगों के पास बच जाते हैं, आप लोगों के पास बच जाते हैं एम ब्रायंट, ठीक है, आप लोगों के पास बच जाता है एच हंट, देखो कोई भी कभी भी अच्छी पारी खेल सकता है, और आप लोगों के पास बच जाता है टी कैली, ये पोटेंशियल प्लेयर है, ठीक है। एम ब्रायंट हो गया, एच हंट हो गया, ठीक है, एच हंट हो गया, एम ब्रायंट हो गया और टी कैली, ये आप लोगों के पोटेंशियल प्लेयर हैं और ये आप लोगों के रिस्क टेकर प्लेयर भी है। यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आप लोग रिस्क लोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं, मेगा ग्रैंड लीग पे जब तक रिस्क नहीं लेते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तीन प्लेयर आप लोगों के, ब्रायंट हो गया, हंट हो गया और कैली हो गया, ये तीन प्लेयर आप लोगों के रिस्की प्लेयर हैं, आप लोगों ने इन तीन में से एक प्लेयर पे रिस्क लेकर ही जाना है कल के मैच पे। 100% इनमें से एक प्लेयर आप लोगों को ड्रीम टीम का प्लेयर बनता हुआ दिखेगा, मतलब ये एक ना एक डीटी होगा, मतलब अगर इन तीन प्लेयर में से एक प्लेयर को आप लोग मिस करते हो तो आप लोगों की ड्रीम टीम बनाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, एक ना एक इंपैक्टफुल बैटिंग करके ही जाएगा, तो इन तीनों में से एक प्लेयर आप लोगों के पास होना ही चाहिए। जे वेदरवेल्ड और जे वेल्स में से किसी एक को लेकर जाना और क्रिस लिन और एस हैजलेट में से किसी एक को लेकर जाना, ठीक है, दोनों को एक साथ कंबाइंड लेकर जाने की जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर अभी तक जो मैंने डिस्कस किया बैटिंग वाले सेक्शन पे। ओके, अब आ जाओ यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा सेक्शन है, ये तीन आप लोगों के लिए रिस्की पिक रहेंगे। स्मॉल लीग के लिए इन तीनों को कंसीडर ही नहीं करना है, स्मॉल लीग के लिए आप लोग क्रिस लिन, एस हैजलेट, ठीक है, और उसके बाद ब्रायंट की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, फिर यहां से जे वेदरवेल्ड और जे वेल्स, इन चार में से तीन को लेकर चले जाना, स्मॉल लीग की टीम आप लोगों की बन जाएगी, ठीक है। बट रिस्क यहां पर लेना ही है मेगा ग्रैंड लीग के लिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लो आप लोगों को, इन तीनों में से एक ना एक बंदा ड्रीम टीम पे घुसता हुआ दिखेगा, ठीक है, वही बंदा आप लोगों के लिए गेम चेंजर भी बनता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेकर जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेकर जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आप लोगों को कभी मेगा ग्रैंड लीग विन नहीं कराते हैं। मेगा ग्रैंड लीग पे अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है तो आप लोगों को ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट करना ही होता है जिन प्लेयर के पास पोटेंशियल है अच्छा करने का, जो किसी भी दिन अच्छा कर सकते हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखना, क्लियर। ओके, तो ये वाला पोजीशन क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर अगर बैटिंग वाले सेक्शन से आप लोगों को चाहिए, देखो क्रिस लिन एक अच्छा प्लेयर है आप लोगों के लिए, सीबीसी के लिए अगर आपके टीम पर हो, ठीक है, जो भी ये वाली पोजीशन है ना आप लोगों के लिए, क्रिस लिन एक अच्छा कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर हो सकता है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों के लिए जे वेदरवेल्ड अभी तक कुछ इंपैक्टफुल पारी तो दिखी नहीं है उसकी तरफ से मुझे, मेरे हिसाब से तो ये वाला जो है ना क्रिस लिन या हैजलेट, इन दोनों में से ही एक को हो जाना चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन, अगर बाय चांस बैटिंग वाले सेक्शन से आता है कोई तो। वैसे इतनी उम्मीद नहीं है मुझे बैटिंग वाले सेक्शन पे, ठीक है, ठीक है। आप लोग क्रिस लिन को रख सकते हो बैटिंग वाले सेक्शन से अगर आप लोगों को रखना है कैप्टन वाइस कैप्टन तो, बट इतना इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस लगता नहीं है बैटिंग वाले सेक्शन से आएगा किसी का, क्रिस लिन का आ सकता है, और अगर एडलेट स्ट्राइकर्स की टीम से रखना है तो जे वेदरवेल्ड हो सकता है, बस यही दो हो सकते हैं जो आप लोगों को सीबीसी बनते हुए दिख सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। बाकी प्लेयर को आप लोगों को सीबीसी का कंटेंडर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है बैटिंग वाला सेक्शन, काफी सिंपल सेक्शन है, एज सच मेजर डिफरेंशियल कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ आप लोग ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। अगर आप लोग ऑलराउंडर वाले सेक्शन को देखोगे ना तो यहां पर आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे जे विल्डमुथ दिखेंगे, ठीक है। अगर चार बॉलर्स के साथ जाते हैं तो जे विल्डमुथ अपने सारा ओवर करेगा, बैटिंग ठीक ठाक कर लेता है, लास्ट दो मैच पे अगर देखोगे तो 27 और 28 रन किए हैं, ठीक है, यहां पर दो विकेट्स भी मिले थे, ठीक है, अपने पूरे चार ओवर कराएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहा है, आप लोगों ने इसे लेकर ही चलना है जे वेदरवेल्ड। दूसरी तरफ आप लोगों को एम शॉट दिखेगा, एम शॉट सुपर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग पे अगर देखोगे
बट लास्ट मैच में डीटी नहीं बना था। अगर एक खास बात बताऊं आप लोगों को, यहां देखो, यहां नहीं बनाया डीटी, यहां नहीं बना डीटी, यहां नहीं बना डीटी, यहां नहीं बना डीटी, यहां एक बार इसने 72 रन बनाए और एक विकेट लिया है। और सभी लोगों का कैप्टन कौन होगा? एम शॉट होगा स्मॉल लीग पे। बट एम शॉट ने परफॉर्म कितने बार किया है देख लो, आप लोगों के सामने स्टैट्स है, ठीक है? एम शॉट ने कितने बार परफॉर्म किया है? एक बार परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर आप लोग चाहो ना, मैं जैसे अगर आप लोग रिस्क टेकर हो, अच्छा रिस्क लेना समझते हो ना, मैं तो क्या करूंगा, यहां पर एक पोजीशन डाल दूंगा बहुत, मतलब कुछ टीम पे ये पक्का से ट्राई करना कि यहां पर एक ही पोजीशन रखना, या तो जे विल्डमुथ को रखना या एम शॉट को रख देना, ठीक है? और नीचे 6 बॉलर्स लेकर चले जाना, क्योंकि अगर वीक टीम है पूरे विकेट जाएंगे आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है? लास्ट मैच भी जो इन दोनों के बीच में हुए था 7 और 8 15 विकेट गए थे, बट रन भी काफी बने थे, उस बात को ध्यान रखना, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग मेरे हिसाब से एम शॉट और जे विल्डमुथ यहां पर सही रहेंगे। मेगा ग्रैंड लीग पे अगर एक भी आता है, बट आप लोग देखोगे कि जो विनर टीम होगी ना वो दोनों को ही लेकर जाना पसंद करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? वरना आप लोग बॉलिंग वाले सेक्शन पे 6 बॉलर्स लेकर जा सकते हो अगर आप लोग इस टीम को कॉम्प्रोमाइज करके यहां पर एक टीम बनाना चाहते हो। मतलब अगर आप लोग ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे खाली एक स्पॉट देना चाहते हो ना, तो आप लोगों को जे विल्डमुथ और एम शॉट को डिफरेंशियल पे रखना पड़ेगा। एम शॉट आप लोगों को कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर दिखेगा मोस्टली सारे मैच में, बट स्टैट्स कुछ और बोल रहा है, 2 रन 16 रन 13 रन 72 और 1 विकेट 8 रन, ठीक है? क्लियर? बट अपने पूरे 4 ओवर करेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? इसीलिए वो कहीं से कहीं भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, ठीक ठाक बन जाता है, लास्ट में तो डेथ पे करने आ गया था, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे स्मॉल लीग पे, एम शॉट को आप लोग ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। बट मेगा ग्रैंड लीग पे मेरे हिसाब से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। स्टिल लोग बोलेंगे कि यार इतने इंपॉर्टेंट को आप कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देते हो, तो मैं आप लोगों को एम शॉट भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन दे रहा हूं, बट ये मेरे दिल की बात नहीं है, ये आप लोगों का प्रेशर है जिसके वजह से मैं दे रहा हूं, वरना मैं तो एलिमिनेट भी करके चले जाता हूं ऐसे प्लेयर्स को। मैं स्टैट्स देखता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं कि वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, वो क्या कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? बट स्टिल दोनों को ही लेकर जाना कुछ टीम पे क्लब करके, डब्लू विल्डमुथ को एक टीम पे लेकर जाना, एम शॉट को ड्रॉप मारना एक टीम पे, एम शॉट को लेकर जाना, डब्लू विल्डमुथ को ड्रॉप मार देना, 6 बॉलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, शायद आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? ऑलराउंडर वाला सेक्शन क्लियर, जे विल्डमुथ सीबीसी का कंटेंडर नहीं है, ओके। अब आ जाओ बॉलिंग वाले सेक्शन पे। बॉलिंग वाले सेक्शन को अगर आप लोग देखोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बॉलर्स को फिल करते हैं, क्योंकि वही विकेट लेकर जाते हैं मोस्टली, मैं जो देख रहा हूं। कौन कौन है इंपॉर्टेंट बॉलर समझो, यहां देखो एक्स बार्टलेट को अगर आप लोग देखोगे, एक विकेट, दो विकेट, चार विकेट, सुपर अभी सुपर फॉर्म पे चल रहा है, ओपनिंग और डेथ दोनों पे बॉलिंग करता है, आप लोगों के लिए एक विकेट टेकर बॉलर है, इसे लेकर जाना है एक तो एक्स बार्टलेट को। सेकेंड इंपॉर्टेंट एम्स टेकिटी को देखो, यहां पर देखो 2 विकेट, यहां पर फिर तीन विकेट, लास्ट मैच से एक एक विकेट ले रहा है। जिस दिन भी आएगा ना गुच्छे के साथ आएगा कैप्टन वाइस कैप्टन का, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंडर है एम्स टेकिटी। अगर ब्रिस्बेन हिट की टीम पहले बॉलिंग करने आती है तो कैप्टन पक्का से ट्राई करना एम्स टेकिटी को, ठीक है? 2 फिक्स प्लेयर हो गए, दूसरी टीम पे आओ, पीसीडल जबरदस्त फॉर्म पे चल रहा है, ये भी इसे भी देखो लास्ट 3 मैच से 3 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, 61 मैच में 78 विकेट लेकर जा चुका है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है पीसीडल। ओके, नेक्स्ट आ जाओ राशिद खान। अगर राशिद खान की मैं बात करूं तो यहां पर देखो राशिद खान को देखो, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट लेकर जा रहा है, ठीक है? तो आप लोगों के लिए एक हो जाएगा राशिद खान। अब कौन कौन से आप लोग एफ अहमद को देखो, तो एफ अहमद अभी अच्छे फॉर्म पे नहीं चल रहा है, 89 मैच में 78 ही विकेट है, यहां पर जीरो, यहां पर एक, फिर जीरो ही जाएगा। यहां से एक बॉलर बच जाता है मेरे पास एच कॉनवे, तो एच कॉनवे को यहां डिफरेंशियल पे बताता हूं किस किस को ले जाना है एच कॉनवे, ठीक है? स्टार्टिंग और डेथ पे बॉलिंग करने आता है, 10 मैच में 9 विकेट ले चुका है, ओपनिंग और डेथ पे बॉलिंग कराएगा। अगर एडलेट स्ट्राइकर्स की टीम पहले बॉलिंग करने आती है तो एच कॉनवे इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा बॉलिंग वाले सेक्शन पे। ओके, यहां पर देखो, तो यहां पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एम डब्ल्यू प्रेस्टविज है और आप लोगों के पास मुजीबुर रहमान है, ठीक है? डब्ल्यू प्रेस्टविज है और मुजीबुर रहमान है, ठीक है?
अब यहां पर देखो डब्ल्यू प्रेस्टविच को देखो तो लास्ट मैच में 2 विकेट लेकर गया था, और एमुर रहमान को देखोगे तो कंसिस्टेंटली 1-1, यहां पर 3, फिर 1, फिर 0, क्या पता यहां पर भी अच्छा विकेट लेकर चले जाए। ठीक है, अगर आप लोग इस पोजीशन को क्लब करते हो, यहां पर एक बॉलर आता है तो एच कन्वे आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोगों के पास डब्ल्यू प्रेस्टविच ऑप्शन है और मुजीबर रहमान ऑप्शन है, तो इन तीन में से आप लोग 2 को लेकर जाओगे। कैसे लेकर जाओगे? एच कॉनवे के साथ डब्ल्यू प्रेस्टविच को ले जाना, एच कॉनवे के साथ मुजीबुर रहमान को ले जाना, और एक बार डब्ल्यू प्रेस्टविच के साथ मुजीबुर रहमान को लेकर जाना। बट अगर आप लोग ऑलराउंडर वाले सेक्शन में 2 पोजीशन के साथ जाते हो तो इस पोजीशन पे आप लोगों को इन तीनों प्लेयर को ट्राई करना होगा। ठीक है, आप लोगों को इन तीनों प्लेयर को ट्राई करना होगा, आप लोगों को एच कॉनवे को ट्राई करना होगा, आप लोगों को डब्ल्यू प्रेस्टविच को ट्राई करना होगा, आप लोगों को मुजीबुर रहमान को भी ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे 2 प्लेयर के साथ जाते हो तो क्लियर। ओके, अब यहां पर देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन कौन हो सकते हैं, उस बात को समझो। बॉलिंग वाला सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। ओके, अब यहां पर देखो आप लोगों के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट कंटेंडर हो सकता है। एक तो पी सेडल जबरदस्त फॉर्म पे, डेथ पे बॉलिंग करता है एडलेट स्ट्राइकर्स की टीम पहले बॉलिंग करने आएगी, तो पी सीडर आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन का। एम स्टेगिटी 2 मैच से ड्रॉप चल रहा है, इस मैच में जबरदस्त विकेट लेकर जा सकता है। अगर आप लोगों को ब्रिस्बेन हीट की टीम पहले बॉलिंग करते हुए दिखी तो एम स्टेगिटी को आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर की तरह लेकर जाना। ठीक है, बट एक्स बार्टलेट को बहुत सारे लोग लेकर जाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन आप मत ले जाना। ठीक है, आप लोग एम स्टेगिटी को ट्राई करना कल के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, पी सिडल को ट्राई करना, और सेकेंड इनिंग्स पे आप लोग रशीद खान को भी ट्राई कर सकते हो। बहुत दिन हो गया रशीद खान को एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं देखा हुआ, ठीक है ना, काफी टाइम हो गया रशीद खान को कैप्टन और वाइस कैप्टन के रोल पे नहीं देखा है। इंपैक्टफुल प्लेयर है दोस्तों, 4 विकेट आराम से निकाल के जा सकता है किसी भी मैच पे, काफी टाइम हो गया है इसे भी। ठीक है, ये कैप्टन वाइस कैप्टन ना बने हुए, तो ध्यान रखना कल के मैच का गेम चेंजर रशीद खान ना हो जाए आप लोगों के लिए, और 4 विकेट लेकर जाता हुआ ना दिखे आप लोगों को, उस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो यही है दोस्तों कल के मैच के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर मेरे टीम के लिए, जो कि मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बताया है। स्मॉल लीग पे भेड़चाल कैप्टन एम शॉट हर कोई लेकर जाएगा, एक आप लोगों के लिए ये सीबीसी का ऑप्शन है। दूसरा, अगर ब्रिस्बेन हीट की टीम पहले बॉलिंग करने आएगी तो एम स्टेगिटी आप लोगों के लिए वाइस कैप्टन होगा, अगर एडलेट स्ट्राइकर्स की टीम पहले बॉलिंग करने आएगी तो आप लोगों के लिए पी सीडल वाइस कैप्टन होगा, एम शॉट कैप्टन होगा, और अगर ब्रिस्बेन हीट की बॉलिंग आती है तो एम स्टेगिटी वाइस कैप्टन होगा, अगर एडलेड स्ट्राइकर्स की बॉलिंग आती है तो पी सीडल आप लोगों के लिए वाइस कैप्टन होगा। ठीक है, स्मॉल लीग के लिए हेड टू हेड 3 स्पॉट तक, 7th स्पॉट पे आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेना, 7th स्पॉट पे आप लोग जैसे रशीद खान को ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, आप लोग बैटिंग वाले सेक्शन से तो कोई नहीं मिल रहा है, क्रिस लीन को ट्राई कर सकते हो आप लोग सीबीसी के लिए। ठीक है, आप लोग यहां से रशीद खान को ट्राई कर सकते हो सीबीसी के लिए 7th स्पॉट के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा रिस्क आप लोगों को लेना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्क लोगे वो रिस्क चल गया तो 7th स्पॉट आप लोगों के हाथ पे रहता है। ठीक है, तो ये वो टीम है दोस्तों जिस टीम के साथ मैं कल जाने वाला हूं। होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है ना, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना बिल्कुल से भी ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 2000 लाइक्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है दोस्तों तो वीडियो को लाइक पक्का से करके जाइएगा, और एक खास बात, आप लोग अपने लास्ट मैच का मुझे पक्का से बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेगा ग्रैंड लीग जीता हो बट उसके पास हम लोगों का कांटेक्ट ना हो तो वो हम लोगों को कांटेक्ट ना कर पाया हो। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोग अपना रिजल्ट भी मुझे बता सकते हो कि आप लोगों का रिजल्ट प्रीवियस मैच में कैसा रहा, ताकि मैं उसे पढ़ पाऊं, बिकॉज मैं आप लोगों के एक एक कमेंट को पढ़ता हूं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, आप लोग जो भी लिखते हो ना उसे मैंने 100% हमेशा से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को इस मैच के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।